Hello, dear children. A very fresh and cheerful morning to you all. How are you all? I hope you all are doing great, right? So, I'd like to welcome you in the English literature class. So, dear children, today we are going to start our new lesson. Okay, that is lesson number 6. So, for that, take your book to page number 37. And the title of this lesson or name of this lesson is A Visit to Granny. So yesterday we have done reading, yes, and I hope you all have done reading practice, right? Chalo, aaj main aapko iska story bataungi, okay? Explain karungi story ke baare mein, okay? This is chapter 6, A Visit to Granny. Let me tell you, visit means किसी से मिलने जाना, किसी को देखने जाना, understand? To granny. और granny means होता है, दादी भी होता है और नानी भी होता है, okay? तो बच्चा, in this story, आपको एक छोटी सी जोया मिलेगी, जो अपने मम्मी के साथ granny से मिलने वो लोग जा रही है, okay? अब देखो बच्चा, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने grandmother, grandfather के साथ पूरे family के साथ रहते हैं, पर कोई कोई हम लोगों में से ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपने parents के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं, okay? पर जोया यहाँ पे सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, parents के साथ रहते हैं और उनसे मतलब जो granny दूर में रहती है और किसी holiday में जोया और उनके मम्मी ग्रैनी से मिलने जा रहे हैं, ओके? चलो लेट्स रीड. जोया एंड मम्मी आर गोइंग टू विजिट ग्रैनी एंड ग्रैनी लव्स फ्रूट्स. मम्मी वांट्स टू बाय फ्रूट्स फॉर ग्रैनी. देखो बच्चा, अब हम लोग किसी के घर में भी जाते हैं, है ना? किसी के घर में जाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ स्वीट्स फ्रूट्स लेके ऑफ कोर्स जाते हैं और उन लोगों को जाके देते हैं, है ना? ये हमारा एक अच्छा व्यवहार है, ओके? तो इसी तरह से उन लोगों को पता था कि ग्रैनी लव्स फ्रूट्स. उनके जो ग्रैनी है उनको फल बहुत ही पसंद है, इसलिए जोया की मम्मी ग्रैनी के लिए फ्रूट्स बाय करना चाहती है, ओके? इसके लिए जोया गोज टू द फ्रूट शॉप विथ मम्मी. इसलिए मम्मी के साथ जोया अपने मम्मी के साथ फ्रूट शॉप में फ्रूट्स बाय करने के लिए जाती है, ओके? सो ऑन द वे दे सी मेनी अदर शॉप्स. ऑन द वे मीन्स रास्ते में, जिससे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान नहीं होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती है, राइट? जैसे इसी तरह से जोया जब फ्रूट्स खरीदने जा रहे थे उनको भी वे में रास्ते में बहुत सारे शॉप्स दिखा, जैसे टॉय शॉप्स, बुक शॉप्स था, वहाँ पे क्लोथ शॉप्स था, है ना? नाउ कम हियर. सम सेल टॉयज, सम सेल बुक्स एंड सम सेल क्लोथ्स. अब देखो, टॉय शॉप में कोई टॉयज बेच रहा था, बुक्स शॉप में बुक्स बेच रहे थे और क्लोथ्स शॉप्स में क्लोथ्स बेच रहे थे, क्लोथ्स बेच रहे थे, ओके? एंड देखिए आप लोग, दे रीच द फ्रूट शॉप. इट इज़ अ बिग शॉप. द शॉप हैज लॉट्स ऑफ फ्रूट्स. देखो बच्चा, अब वो लोग फ्रूट शॉप में गए थे, है ना? तो अब वो लोग चलते चलते फ्रूट शॉप में रिच हो गए, मतलब वो लोग पहुंच गए, ओके? और ये एक बड़ा सा बिग शॉप था, ओके? एक बड़ा शॉप था और ये शॉप में ये जो फ्रूट शॉप है इसमें बहुत वराइटीज़ वराइटीज़ का फ्रूट्स था, ओके? देयर आर रेड एप्पल्स इन द शॉप, देयर आर येलो मैंगोज इन द शॉप, देयर आर ग्रीन मेलन्स एंड पर्पल ग्रेप्स टू. देखो बच्चा, अब ये शॉप्स में एप्पल्स थे, मैंगोज थे, मेलन्स थे और ग्रेप्स भी थे. अब ये सारे फ्रूट्स के कलर्स तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे कैसा एप्पल्स थे, रेड एप्पल्स थे, पर्पल ग्रेप्स थे, ग्रीन मेलन्स थे, है ना? और येलो मैंगोज थे. दिस इज द सीजन ऑफ मैंगोज, राइट? I hope you all are enjoying mango this time. So please turn the page. Okay, अब ओके. देखो, अब वहाँ पे सिर्फ इतना ही फ्रूट्स नहीं था, और भी फ्रूट्स थे, जैसे कि देयर आर ब्राउन चीकूज
and orange oranges. There are bunches of yellow bananas too. देखो बच्चा, अब वहाँ पे चीकूज थे, ब्राउन कलर के चीकूज थे, और ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है, ओके? और ऑरेंज ऑरेंजेस थे, और वहाँ पे येलो कलर के बनानास भी थे, ओके? बनानास का बंच होता है, ठीक है? एक एक ही नहीं होता है, उसके साथ एक बंच में रहता है, तो दैट इज बंच, गुच्छा में था, ओके? नाउ देखिए, अब जो यार उनके मम्मी क्या क्या खरीदते हैं उनके ग्रैनी के लिए. जोया एंड मम्मी बाय लॉट्स ऑफ फ्रूट्स. और जोया और उनके मम्मी बहुत सारे फल खरीद लिए, ओके? देखो क्या क्या खरीदे. दे बाय अ मेलन खरीदा, मैंगोज खरीदा, एंड सम ग्रेप्स भी खरीदा. दे ऑल्सो बाय ऑरेंजेस एंड बनानास, ऑरेंज और बनानास भी खरीदे. उसके बाद The shopkeeper takes a basket. He puts the melon and mangoes on one side. Now listen. उसके बाद में shopkeeper means दुकानदार, okay? एक basket लिया और जो जो फल खरीदा था जो यार उनके मम्मी ने, उसको रखना उस basket में उन्होंने रखना शुरू किया, okay? उसने रखा. He puts the melon and mangoes on one side. Melon थोड़ा heavy होता है ना, भारी होता है, तो एक साइड में रखा. मैंगो को भी एक साइड में रखा. उसके बाद में बनाना रखा अदर दूसरे साइड में. He puts the orange and grapes on top. देखो अब ये oranges, grapes थोड़ा नाजुक होते हैं, इसलिए उन इस orange and grapes को basket के ऊपर रखा, ओके? अब जैसे ही basket में ये सारे fruits को रख लिए, तो the fruit basket looks lovely. और बहुत ही वो basket बहुत ही सुंदर दिख रहा था, okay? Now mummy gives money to the shopkeeper and takes the basket. अब देखो, हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो ऑफ कोर्स वी पे मनी फॉर दैट, ओके? इसीलिए जोया के मम्मी ने शॉपकीपर को जितना भी फ्रूट्स का पैसा था उनको दे दिया और फ्रूट का बास्केट लिया, ओके? देन जोया एंड मम्मी वॉक होम. और वो लोग चल दिए, ओके? घर की तरफ वो लोग चल दिए. अब जैसे ही वो लोग फ्रूट्स खरीद के वो लोग जा रहे थे, तो जोया क्या बोलती है अपने मम्मी से, ग्रैनी विल बी सो हैप्पी टू गेट द फ्रूट बास्केट, ओके? हाँ, जब ग्रैनी ये फ्रूट बास्केट देखेंगी तो वो बहुत खुश होंगी, है ना? तो मम्मी भी बोल दिए, वी टू विल फील हैप्पी. हाँ, और हम लोगों को भी उनको खुश देख के हमको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, राइट? सो डियर चिल्ड्रेन, देखिए एवरीबडी हैज़, सभी के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर्स होंगे, है ना? दादा दादी नाना नानी होंगे. तो देखो बच्चा, आप लोग अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो उनको भी कभी कभी हॉलीडेज में आप लोग विजिट करने ज़रूर जाइएगा, ठीक है? उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप उनका ख्याल रखोगे, थोड़ा उनसे मिलने जाओगे, थोड़ा आप लोग अपना टाइम उनको दोगे, है ना? तो ये हमारे गुड मैनर्स भी होते हैं, अंडरस्टैंड? हमको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ओके? सो यहाँ पे तो जोया और उनकी मम्मी तो बहुत अपने ग्रैनी को बहुत ख्याल कर रही है ना? तो आई होप आप लोगों को ये पूरा स्टोरी समझ में आ गई, है ना? तो डियर चिल्ड्रेन, अच्छे से इसको रीडिंग करिए, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्टे सेफ, okay, take care and see you in the next class. Thank you.